विगत दिनों इंदौर में वेयर हाउस पर काम करने के दौरान पांचाल समाज के युवक की मौत के बाद ठेकेदार ने गलत जानकारी देकर परिजनों को गुमराह किया है। ऐसे में मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने और दोषियों पर कार्रवाई के लिए मंगलवार को पांचाल समाज ने मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार सोलोनी पटवा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया, इंदौर निवासी मनोहर पिता मनोहर पांचाल सनी एंड ब्रदर्स कंपनी के ठेकेदार के अधीन पिछले 12 सालों से काम कर रहा था। शिप्रा देवास के कोल्ड स्टोर हाउस का काम चल रहा था। यहां मनोहर की काम करते समय गोडाउन में गिरने से मौत हो गई, लेकिन कंपनी के मालिक और ठेकेदार ने गलत जानकारी देकर मनोहर की मौत सड़क दुर्घटना में होना बताया है और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने से इनकार कर दिया। ऐसे में प्रशासन मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई करे। मनोहर निवास इंदौर में रहते हैं, कोल्ड स्टोर कंपनी में काम करते थे। पिछले 12 वर्षों से काम करते थे। जिस कंपनी सनी एंड कंपनी वो ब्रदर्स के नाम से है, वो ठेकेदार उसके अधिकृत है, उसी में काम करते हैं। दुर्घटना हो चुकी, गोदाम गिर गया हवा चलने से। उस ठेकेदार ने आनाकानी करते हुए पीड़ित परिवार से सच्ची बात छुपाते हुए उसको दुर्घटना वाहन दुर्घटना घोषित करके इतिश्री कर दिया। उससे ना तो कोई मुआवजा दिया ना कोई सहायता दी उससे। हमने उसके खिलाफ आवेदन दिया। हम चाहते हैं सरकार उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे या उसके उचित मुआवजा दे, पीड़ित परिवार की मदद करे। धन्यवाद।